सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में खड़ा हूं, यह है छन्नी हिम्मत कॉलोनी का एरिया। और आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत घर में, आप देख रहे हैं यहां पे, इसमें आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूं। इसमें हम फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 BHK रेंट के लिए देने वाले हैं। 3 BHK, 3 बेडरूम, लॉबी, किचन और 2 बाथरूम के साथ काफ़ी स्पेसियस घर है ये। और ये बहुत ही अच्छा सेट जो है हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले घर के अंदर एंट्री करते हुए आपको दिखा रहे हैं हम एक खूबसूरत सा लॉन बना हुआ, और उसके बाद हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलेंगे और वहाँ सारा सेट जो है दिखाएंगे। अब हम स्टेयर्स के रास्ते फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और वहीं पे चल के हम आपको सारा जो है सेट दिखाएंगे। तो ये देखिए, हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। ये हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये जो सेट है ये दिखाने वाला हूँ मैं आपको। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पे मेन डोर जो दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके का बना हुआ यहाँ पे मेन डोर है। ये देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव इसमें डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे जो है इसको डोर लगाया गया हुआ है। और ये आगे एंट्री इसकी सेट की, और अब मैं पहुँच गया सेट के इनसाइड में। सबसे पहले आपको काफ़ी बड़े साइज़ की लॉबी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, सारा जो एरिया है ये लॉबी का है। कॉर्नर टू कॉर्नर आपको लॉबी का एरिया दिखाया जा रहा है। ये एंट्री डोर आ गया, और उसके बाद ये सारा एरिया जो है आपको लॉबी का दिखाई दे रहा है। काफ़ी वास्ट का साइज़ की लॉबी मैं इस सेट में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं लॉबी में 2 फैंस लगे हुए हैं, और फ्रंट में आप देखिए बहुत ही बड़े साइज़ की विंडो, और इसी के साथ टेरेस में जाने के लिए एक डोर है। ये देखिए, काफ़ी फुल साइज़ का डोर यहाँ पे लगा हुआ। टेरेस भी आपको दिखाएंगे। और ये पहले मैं आपको सभी कॉर्नर से इस वास्ट लॉबी का जो है व्यू करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, सारी जो है लॉबी आपको मिल रही है। फ्लोरिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन, यहाँ पे टॉप क्वालिटी का यहाँ पे मार्बल की यहाँ पे फ्लोरिंग हुई है। और तो उसके बाद हम ले चलते हैं आपको रूम के एरियाज में। यहाँ पहुँच के फर्स्ट रूम में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का रूम आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत बड़े साइज़ की यहाँ पे विंडो एक साइड पे रूम के, ताकि यहाँ पे प्रॉपर लाइट जो है सनलाइट आ सके, और एयर सर्कुलेशन हवा का पूरा पूरा ध्यान रखा गया हुआ है। हवा वगैरह यहाँ पे आ सके बड़े अच्छे तरीके से, यहाँ पे सनलाइट वगैरह पहुँच रही है इस रूम में। और इसमें आप देख रहे हैं 2 अलमीरास आपको इकट्ठी रखी हुई नज़र आ रही सामने, जो क्लोज वगैरह रखने के लिए। और इसमें हम आपको डबल बेड दे रहे हैं, बॉक्सेस वाला डबल बेड मिल रहा है आपको। और इसमें भी आपका जो बाकी सामान है घर का, वो सारा यहाँ पे इस बॉक्सेस वाले बेड में जो है स्टोर किया जाएगा। और इस रूम का भी मैं आपको डोर दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे डिज़ाइन का यहाँ पे ये देखिए डोर लगा हुआ। और अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट बेडरूम। नेक्स्ट बेडरूम दिखाने से पहले ये आ गया कॉमन वॉशरूम इंग्लिश सीट के साथ। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे गीजर वगैरह लगा हुआ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाथरूम आपको मिल रहा है। और उसके बाद हम दिखाते हैं नेक्स्ट बेडरूम। ये हम पहुँच गए हैं सेकंड बेडरूम में। इसमें भी आप देखिए एक साइड पे बहुत बड़े साइज़ की विंडो, साइनलाइट पूरी यहाँ पर प्रॉपर आ रही है, और बाहर का नज़ारा भी आप यहाँ विंडो से देख सकते हो। काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पर ये आपको बेडरूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे विंडो एसी के लिए एक विंडो छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप विंडो एसी फिट कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं, जो अटैच बाथरूम है, अटैच बाथरूम के साथ है ये। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे डोर लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरती के डिज़ाइन के यहाँ पर डोर्स लगे हुए हैं। ये आ गया हम थर्ड बेडरूम में। इसमें भी आप देख रहे हैं विंडो काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ पे लगाई, फुल दीवार की विंडो का साइज़ है यहाँ पे। और साथ ही में आप देख रहे हैं विंडो रखी गई हुई है, विंडो एसी लगाने के लिए। ये भी थर्ड बेडरूम भी काफ़ी अच्छे साइज़ का। और उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अटैच बाथरूम जो आपको दिए जा रहा है यूज़ करने के लिए। ये देखिए, इस बाथरूम में भी फुल टाइल जो है फ्लोर से लेके रूफ तक जो है फुल टाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको वॉशरूम भी मिल रहा है सीट के साथ, गीजर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी वास्ट साइज़ का ये
सेट मैं इसमें दिखा रहा हूँ। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस सेट में यूज होने वाली किचन। तो ये आ गया लॉबी का पूरा एरिया, यहाँ ख़त्म हो जाता है और उसके बाद किचन और डाइनिंग का एरिया ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बहुत बड़े साइज़ की किचन जिसमें गीज़र भी लगा हुआ है, कैंट का आरओ भी लगा हुआ है और ये बर्तनों का स्टैंड वगैरह लगा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, एग्जॉस्ट स्टैंड वगैरह। मॉडल किचन के साथ हम आपको दे रहे हैं, ये मॉडल किचन आपको मिल रही है। इस साइड में आप कुकिंग करेंगे और फ्रंट वाले साइड में आपका डाइनिंग टेबल लग जाएगा और यहाँ आप बैठ के जो है खाना वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। और किचन में भी बहुत बड़े साइज़ की विंडो जो है एक साइड पे आपको देखने को नज़र मिल रही नज़र आ रही है और यहाँ पे बिल्कुल सनलाइट जो है बड़े प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। अब हम यहाँ से किचन से निकलते हुए बाकी का जो एरिया है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए किचन में यहाँ पे डाइनिंग टेबल आपका रखा जाएगा, वहाँ पे भी एक फ़ैन फिटेड है। ये किचन कम डाइनिंग हॉल हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए एक वॉश बेसिन वगैरह लगा हुआ है डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ में, वॉश बेसिन जो आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं टेरेस के एरिया में। यहाँ ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर टेरेस का एरिया मिल रहा है आपको, आप यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का आपको टेरेस का एरिया मैं दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सारा टेरेस का एरिया है जो आपको यूज़ करने के लिए इस सेट में। बहुत ही प्राइम लोकेशन में छन्नी हिम्मत कॉलोनी के सेक्टर 7 में ये घर बना हुआ है।